काइन मास्टर मूवीज प्रेजेंट्स एक्स जेंट द ब्रेथ ऑफ पॉल बनियान। कहानी की शुरुआत एक अनजान बर्फीले जंगल से होती है जहां पर बहुत सारे लकड़हारे रहते हैं। ये सब के सब अपने काम से आने के बाद खाने की तैयारी करते हैं। इन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी होता है जो यहां से चला जाता है, और जब वो बूढ़ा आदमी वापस आता है तो देखता है कि उसके सामने एक खतरनाक जाइंट है जिसने उसके सभी साथियों को मार दिया है, और इसके बाद वो जाइंट इस आदमी को भी मार देता है। दूसरी तरफ हमें शहर में एक मेल और फीमेल पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके सामने 5 बच्चे होते हैं, और ये सब किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज्ड होते हैं, यानी कि इन्होंने कोई ना कोई गलत काम कभी ना कभी किया है। पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि हम तुम्हें एक हफ्ते के लिए यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाएंगे जहाँ पर तुम्हारी काउंसलिंग होगी, और जो इस काउंसलिंग में पास हो जाएगा, जिसने मेरी बात मानी उसे छोड़ दिया जाएगा, और जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया उसे सजा मिलेगी। वे सब के सब यहाँ से गाड़ी में जंगल की ओर जाते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी होता है जो इन्हें अजीब तरह से देख रहा होता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, और ये सब के सब एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर मेल पुलिस ऑफिसर इन सब को इनके टेंट देता है और कहता है कि तुम्हें इसी में रहना होगा। वहीं जंगल में दिखाया जाता है जहां पर एक भालू एक हिरन का शिकार करने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे से एक जाइंट आ जाता है और वो उस भालू को मार देता है। वहीं रात को सब के सब आग के चारों ओर बैठे होते हैं, तभी वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर से आता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन उसे ये लोग पागल समझ कर कुछ नहीं कहते। अगले दिन सुबह या सब के सब हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। यहीं पर मूवी का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है।